أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه حمد و ثناء لائق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور اللہ ہی سب دا رازق ہے۔ درود و سلام امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علی پاکیزہ مطہر ذات واسطہ۔ مالک کائنات نے جس انسان کو نبی بنایا ہے اُدی عظمت دوسرے انساناں نالوں زیادہ بنائی۔ نبیاں دی رسولاں دی کتنی تعداد ہے یہ بارے صرف اللہ ہی کلا جانتا ہے، سارے شکوک و شبہات نے کوئی لاکھ کہیں ہے، کوئی سوا لاکھ نبیوں دے بارے ذکر کرتا ہے، کوئی ڈیڑھ لاکھ دے بارے کہیں ہے، لیکن کنفرم اللہ کو علم ہے۔ قرآن مقدس اندر 27 یا 28 نبیوں دے نام اور تذکرے موجود نے۔ مالک کائنات نے نبوت و رسالت عطا فرمان تو بعد ہر نبی نو اسی وقت کتاب شریعت اور نظام عطا نہیں فرمایا، پوری توجہ میرے وار رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی ہے طور پہاڑ تے بلا کے، لیکن مالک کائنات نے اسے وقت ہی کتاب نہیں دیتی، بلکہ کتاب کا نزول ادھوں ہے جدوں فرعون غرق ہو گیا، اس تو بعد آسمان تو کتاب آئی۔ جمیع محدثین قرآن پاک دیاں تقریباً 30,000 کے قریب تفاسیر مختلف زبانہ در دنیا تے موجود نے، ہر مفسر نے بات لکھی ہے، جتنے سکہ محدثین مفسرین نے سارے دا اتفاق موسیٰ علیہ السلام کے کتاب فرعون دے غرق ہون تو بعد اندر نازل ہوئی ہے، پہلے نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام تو اللہ نے 40 سال دی عمر اندر نبوت رسالت عطا فرمائی، اور جو پہلی وحی نازل فرمائی ہے جس کا آغاز جس کی ابتدا مالک کائنات نے قرآن پاک اندر جس کا ذکر کیتا ہے، وہ پہلی وحی کا نزول ہی اللہ نے اپنی مقدس کلام قرآن پاک کو کیتا ہے۔ اتنی اعلیٰ کتاب ہے قرآن پاک۔ اسی مسلمان ہاں، ساڈے کول ٹائم نہیں ہوندا، میرے پاس سارے ویکھیا ہے، اپنے کو جھوٹ بولن کا ٹائم بڑا ہوتا ہے، سود کھان دا لین دا بینک جان دا وہ تو حرام، کمائی کٹھی کرن دا بڑا ٹائم ہے، لیکن قرآن پاک پڑھن دا اپنے کو کوئی ٹائم کوئی نہیں۔
सारे तवज्जो मेरे वाल करिया जी। अपने को बड़ा टाइम एक दूजे को फोन से झूठ बोलन का, गप्पा मारन का, एक दूसरे नाल मजाक करन का, एक दूसरे का इस्तेहज़ा उड़ान, बड़ा टाइम। लेकिन कुराने पाक पढ़न का टाइम कोई नहीं, कुराने पाक नूं वेखण का टाइम कोई नहीं, कुराने पाक सुनन का टाइम कोई नहीं। कोई साथी मेरी बात से नाराज ना होए, लेकिन सुन लवे, जे नाराज होए तो जुमे तो बाद मैनूं फिर पूछ लवे। पूरी दुनिया के मशहूर ने कुराने पाक दीयां आयतां ने 6666 कदी गिणियां दे, दुकान पे 5 घंटे बैठे हैं, 10 घंटे चौरी साहब बैठे ने, कारोबार करते ने, लैन देन है, दाढ़ी मुड़ाण का टाइम है। जो एक सियाबी भी दाढ़ी नहीं सी मुड़ाउंदा, इस दाढ़ी नूं मुड़ाण का टाइम है। कुराने पाक दीयां आयतां गिणन का किसे कोल टाइम कोई नहीं। किन्नियां आयतां ने कुराने पाक दीयां, किन्ने साल हो गए पाकिस्तान बने नूं, कदी वेलिया बह के कुराने पाक सामने रख के उहदियां आयतां गिणियां ने? कोई नहीं गिणी। की करना है उस पैसे नूं जिहड़ा दीन ते खर्च ना होए, की करना है उस माल दौलत उस शोहरत नूं जिहड़ी रब दे दीन वास्ते खर्च करके अपनी दुनिया ते आखरत रोशन करन दे बारे फिक्रमंद बंदा ना होए, की करना है ऐसे पैसे नूं? पूरी जितने तुसी तालिब इलम ते जितने मेरे भाई ते बुजुर्ग बैठे थे लोग कुराने पाक जुमे तो बाद लैके उहदियां आयतां गिण के 6666 कोई बंदा पूरी ना कर दे, मैं मुंह मंगिया इनाम देंगा। कभी फुरसत होए ते कुरान दी आयतां गिणियां जाण ना, फुरसत कोई नहीं, टाइम कोई नहीं। एक काम की फुरसत है जिहड़ा कुरान पाक पढ़ांदा है उहदे खिलाफ प्रोपोगंडा करन की बड़ी फुरसत, और आ गया और लै गया और ऐसे कर गया, ऐ साडे कोल टाइम है नहीं, टाइम ते कुराने पाक पढ़न दा टाइम कोई नहीं। तवज्जो मेरे वाल करिया, मेरी बात ते गौर करिया जे, तवज्जो करिया जे। अल्लाह दे बंदेओ, जिहड़ी कौम कुरान पाक हदीस पाक पढ़ना समझना सोचना इहदे ते अमल करना छड़ देवे, उस कौम ते कदी रहमत दी छेट नहीं पैंदी, उत्थे अज़ाब आउंदे ने। नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुकद्दस ज़ुबान चो निकले हुए प्यारे कलिमात, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़य्यिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम, फरमाया कुरान पाक नूं अपनियां अच्छियां आवाज़ां नाल पढ़िया करो, इनू मुज़य्यन कीता करो। कुरान पाक पढ़न वास्ते बंदे नूं चाहिदा है, इसे वास्ते रोपड़ी खानदान दे अजीम मुहद्दस मुहद्दस अब्दुल्ला रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने फतावा च लिखा है कि बंदे नूं 24 घंटे जदों वी इहने कुरान पाक पढ़ना है इहनूं लाजमी वुज़ू करके पढ़ना चाहिए। क्यों? जिवें कुरान पाक है इवें बंदे नूं भी पाक होना चाहिए। अपनियां बातां दुनिया दी ना, दुनिया दे मामलात इहनां चों टाइम कढ़णा पैणा है, कुरान पाक नूं वक्त देना पैणा है। और मालिक कायनात ने कुरान पाक को शिफा बनाया, रहमत बनाया, इनू बाइस बरकत बनाया। पूरी कायनात अंदर जितने बंदियां ने कुरान पाक नाल प्यार कीता है, इहदे नाल मुहब्बत कीती है, इनू पढ़िया है, इहदे ते अमल कीता है, इनू अगे लोगां तक पहुंचाया है, मालिक कायनात ने उहनां लोगां दे तज़किरे अज तक भी जिंदा रखे ने। और मेरा ईमान है चूंकि मैं अहले हदीस हाँ, अपने मसलक का मैं चौकीदार हाँ, क्यामत तक उन्हां दे तज़किरे होंदे रहने ने जिन्हां रब पाक दे कुरान पाक नूं पढ़िया है, पढ़ाया है, इससे अमल कीता है, अगे लोगां तक पहुंचाया। कितने सहाबा ने जिन्हां दीआं कबरां तुहाडे मेरे मुल्क अंदर ने, सानूं कोई इलम नहीं। सहाबी तशरीफ ले आए सन, पाकिस्तान नहीं सी, इंडिया पाकिस्तान इकट्ठा सी, बेसुमार सहाबा तशरीफ ले आए, उन्हां दीआं कबरां कोई नहीं, लेकिन उन्हां दे तज़किरे तारीख दीआं किताबां अंदर अहादीस दी सूरत अंदर अज भी मौजूद ने। क्यों? उन्हें नबी अलैहिस्सलाम के एक एक फरमान को लोगों तक पहुंचाया, रब पाक के कुरान को पढ़िया भी है, समझिया भी है, अगे लोगों तक भी पहुंचाया। नहीं मौलवी कारोबार ना करिए तो तुसी कितों गाओ, ऐ ही गल रह गई।
सहाबा इकराम के बीवी बच्चे नहीं सन, कौम कबीले उन्होंने भी है सन, लेकिन एक सहाबी मदीना पाक तो तुरे, मक्का पाक तो तुरे और आके सिद्ध फदीन के इलाके अंदर आके तबलीग कर दिया होया उहदे ते मौत आए, उहदी कबर उत्ते बन जाए, उहदे पाप छड़े है दीन कुरान और हदीस की खातर, अपने जनाब कौम कबीला बरादरी कित्थे सऊदी अरब कित्थे मुल्के पाकिस्तान उत्थो चले ते इत्थे आके दीन पढ़दा पढ़ांदा जान निकल जाए उत्थे कबर बन जाए मदीन शहर सिंध अंदर, लेकिन उहदा आण दा मकसद की है? कोई पैसा कमाना मकसद नहीं, इक्को ही मकसद है नबी अलैहिस्सलाम दा दीन पहुंचाया जाए, हदीस पाक पहुंचाई जाए ते रब दा कुरान पहुंचाया जाए। साढ़े को टाइम कोई नहीं, मेरी बात पे तवज्जो पुत्र रहन दे, जो पूरे जुमे च नहीं खड़ा बह जा, जज़ाकुम अल्लाह, मेरे वाल तवज्जो करो, सारे साथी मेरे वाल ध्यान करो, कुरान पाक वास्ते वक्त देना पैना है, कढ़ना पैना है टाइम। नबी पाक अलैहिस्सलाम कुरान पाक की खुद तिलावत कीता करदे सन, दलील है कुरान पाक अंदर फरमाया अकीम सलात लिदुलूकि शम्स इला गसक लैल, अकीम सलात लिदुलूकि शम्स इला गसक लैल व कुरआन अल फज्र इन कुरआन अल फज्र कान मशहूदा। नमाज फजर हुए कुराने पाक पढ़िया करो, दोपहर शाम का वक्त है, मालिक कायनात फरमाते ने कुराने पाक की तिलावत कीता करो, ये तो नमाज तहज्जुद अंदर पढ़िया करो, मेरे वाल ध्यान करया दे, पूरी कायनात के इमाम पैगंबर मासूम नबी गलतियां तो पाक नबी जिन्हां दे वजूद पाक अंदर रब पाक ने खुशबूआं रखियां ने, हाथ भी खुशबूदार ने, जुबान भी खुशबूदार है, हत्ता के नबी पाक अलैहि सलाम की पाक जुबान नाल जड़ा लुहाब लगदा है, अल्लाह पाक ने एदे अंदर भी शिफावां रखियां ने, मेरे वाल तवज्जो करिया जे, नबी पाक अलैहिस्सलाम कुरान पाक की इन्नी तिलावत कर दे, नबी अलैहिस्सलाम फारिग नहीं सन, वेले नहीं सन, इन्हां नूं काम बड़े ने, जे इस्लाम दे दुश्मना ने जनाब अल्लाह ने बगावत कीता है, अदब बुलंद कीता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुजाहिदीन तैयार कीते ने मस्जिद नबवी अंदर, इन्हां नूं ट्रेनिंग दित्ती है, इन्हां नूं नाल लैके चले ने, जे सहाबी फौत हो जाए इहदा जनाब तदफीन दे इंतजाम भी नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने साथियों को करवाते, मस्जिद नबवी बनाई है, नबी अलैहिस्सलाम ने खुद नाल मिल के बनवाई है, कुबा मस्जिद तमीर की दी है, नबी पाक अलैहिस्सलाम आप नाल ने, मिस्त्रियां दा काम भी आप कीता है, मजदूरों वाला काम भी आप कीता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नमाज भी आप सिखाई है, रोजा भी सिखाया है, हज के तरीके भी दसे ने, ज़कात देने के मामला भी दसे ने, सारा दीन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सिखाया है, लेकिन एदे नाल नाल नबी पाक अलैहिस्सलाम कुरान पाक बड़ा पढ़िया करते सन, मेरे वाल तवज्जो करिया जे, सही बुखारी अंदर किताबुल तफसीर अंदर हदीसे पाक है, मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद बोलो बोलो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, नबी पाक अलैहिस्सलाम एक दिन मस्जिद नबवी अंदर, सही बुखारी है किताबुल तफसीर है, जेदा दिल चाहे खुले दिल पढ़े, जेदा जी चाहे वेखण नूं खुले दिल हदीस पाक वेख लवे, नबी पाक अलैहिस्सलाम मस्जिद के अंदर नमाज तहज्जुद पढ़न वास्ते तशरीफ ले आए, नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक सहाबी आया गालिबन अब्दुल्लाह बिन मसूद ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु,
और कितना प्यारा सिहाबी है जी पिंडली का वजन क्यामत वाले दिन सारिया तो वजनी हो है ये सिहाबी तशरीफ ले आए कौन है अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक ने इस्लाम फरमाते ने जिवे आसमान तो कुरान पाक नाजुल होया जे एक कोई बंदा पढ़ना चाहता है ते अब्दुल्ला बिन मसूद को कुरान पढ़ लवे जिवे आसमान तो नाजुल होया ये अब्दुल्ला उंज पढ़दा है मेरे वाल ध्यान करया जे पूरी तवज्जो मेरे नबी पाक ने इस्लाम नमाज शुरू की थी है तहज्जुद दी कुरान पाक ऊंची पढ़ रहे ने ऊंची किरात कर रहे ने कल्ले नमाज पढ़ दे रहे ते किरात ऊंची है मैं नहीं मानता दुनिया दियां झूठियां किताबां जेड़ियां कहंदियां ने नहीं जनाब ऊंची नहीं पढ़ना चाहिए मेरे को दलील हदीस पाक अंदर नबी पाक इस्लाम ऊंची पढ़ रहे ने कल्ले खड़े होके पढ़ रहे ने अजे क़याम शुरू कीता है वाल बिन अब्दुल्ला बिन मसूद आ गए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम के करीब आके खड़े हो गए मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम पढ़ते जा रहे ने ये नाल सुनता जा रहे है फरमाते ने मेरे दिल अंदर ख्याल पैदा होया नबी पाक अलैहिस्सलाम 100 आयत पढ़नगे फिर आप रुकू कर लेंगे फरमाते ने 100 आयत भी गुजर गई नबी अलैहिस्सलाम ने बोलो रुकू कीता 100 आयत तो आगे गुजर गए फरमाने लगे मेरे दिल अंदर ख्याल आया नबी पाक अलैहिस्सलाम सूरह बकरा एक पारा या सूरह बकरा पढ़ के रुकू करेंगे फरमाते ने सूरह बकरा भी सारी पढ़ गए लेकिन रुकू कीता बोलो रुकू कीता मेरा तो ध्यान करना है मैं तो अनुको बाद तो अनेक पल्ले पानी पूरी सूरह बकरा नबी अलैहिस्सलाम ने पढ़ दी थी रुकू ना कीता मेरे पास पैगंबर अलैहिस्सलाम का सिहाबी नाल खड़ा है पहला क्याम जारी है मेरे वाल तवज्जो करया जे पहला क्याम है सूरह बकरा सारी पढ़ चढ़ी है नबी अलैहिस्सलाम ने रुकू नहीं किया सैयद अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते ने मैं सोचिया हुण अगली सूरह दिया 100 आयतां पढ़नगे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सूरह बकरा मुकम्मल कीती है सूरह अन्निसा शुरू कर दीती ये भी सारी पढ़ दीती है फरमाते ने मैं फिर सोचिया हो सकदा है हुण रुकू हो जाए नबी पाक अलैहिस्सलाम दोबारा पीछे आ गए आपने सूरह आले इमरान शुरू कर चढ़ी है ये भी सारी पढ़ चढ़ी एक रकत अंदर 50 सिपारियां दे करीब कुरान पाक पढ़े है एक रकत अंदर इन्हें लोगों को मसले दसे ने इन्हें लोगों को तरीके समझाए ने इन्हें लोगों को दीन दसे है 9 बीवियां मेरे पाक पैगंबर अली सलाम दिया इन्हां 9 बीवियां दे हुकूक ने 9 घर नबी पाक अली सलाम ते इन्हां घरां दे मामलात ने नबी पाक अली सलाम दे गुलाम भी ने इन्हां दे मामलात भी ने नबी पाक अली सलाम दियां बकरियां भी ने नबी अली सलाम दे घोड़े भी ने इन्हां दे भी मामलात ने नबी पाक अली सलाम दे गुलामां ने जनाब किसी इलाके च जाना है नबी अली सलाम ने रवाना करना है सारा दिन एक काम कीते ते रात नु एक रकात अंदर 50 पारियां दे करीब कुरान पाक की तिलावत की है सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते ने फिर नबी अली सलाम ने रुकू कीता एक रकात कितने पारे तकरीबन 5 सिपारे या थोड़ा जा बाते या थोड़ा जा घट 5 सिपारियां दे करीब किनिया रकात च ये मौलवी एक सिपारा सुनाए हैं तरावियां च 8 तरावियां अगले दिन नवी मसीद लभन टुर पैंदी है तुहानू इन्हें तो मार देना है असि तो मर गए साढ़े गोडे किडे जवाब दे गए कुरान पाक नाल प्यार नहीं ना इमरान खान ने आना होए 5-5 घंटे सड़क ते सबके शरीफ ते बदमाश ने आना होए 10-10 घंटे सड़कां ते किसे दे गोडे नहीं दुखदे किसे दे किडे नहीं दुखदे किसे दी सोच नहीं बदलदी कुरान पाक पढ़ पढ़ांदी वारी आए पैर दुखदे ने गोडे दुखदे ने सोच दुखदी है छड़िया जा सकता
ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੌਧਰੀ ਬਣੇ ਵਡੇਰੇ ਬਣੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣੇ ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀਆਂ 100 ਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਜਾ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕੱਲ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇਹ ਸੱਚਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਸੁਣਦਿਆਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੋਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਮਰਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਰੁਕੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰਕਤ ਪਹਿਲਾ ਕਿਆਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਸੂਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਆਮ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਰੁਕੂ ਵੀ ਏਡਾ ਹੀ ਲੰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਸਜਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਆਮ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੋ ਰਕਤਾਂ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੜਪਦਾ ਰਿਹਾ ਕਾਸ਼ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਕਦੀ ਇੰਜ ਦਾ ਕਿਆਮ ਕਰਨ ਮੈਂ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਿਹਾਬੀ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਸਨ ਨਬੂਵਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਕੁਰਾਨ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਤੜਪਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਪਾਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਕੁਰਾਨ ਨਿਕਲੇ ਇਹ ਤਰਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੜਪਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇਓ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਮਾਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠਾ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਿਦ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਣਾ ਸੂਰਹ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜਿਆ ਕਰ ਕੁਲ ਹੋ ਅੱਲਾ ਪੜਿਆ ਕਰ ਆਇਤਲ ਕੁਰਸੀ ਪੜਿਆ ਕਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜਿਆ ਕਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕੀਤਾ ਕਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਨੂ ਨਸਲੋ ਮਿਨਲ ਕੁਰਾਨ ਮਾ ਹੁਵਾ ਸ਼ਿਫਾ ਸ਼ਿਫਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨੁਸਖਿਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਲਾਜ ਮੁਆਲਜਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਟੁਰ ਗਏ ਹੋ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਪਾਕ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਨੇ ਸੱਪ ਦੇ ਡਸੇ ਹੋਏ ਚੌਧਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜਿਆ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਵਾਕੇ ਚੌਧਰੀ ਸਿਆਹਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਖਾਣਾ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਬਸਤੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਬੁਖਾਰੀ ਚ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸਿਆਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਖਾਣਾ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣੇ ਲਾ ਲਓ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁਆਲਜ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸਿਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਰਿਜ਼ਵਾਨੁਲਾ ਅਲੈਹਿਮ ਅਜਮਾਈਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੂਰਹ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਦਮ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨ ਦਫ਼ਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜ ਦਫ਼ਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 7 ਦਫ਼ਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਮ ਕੀਤਾ ਚੌਧਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਿਹਾਬੀ ਰਸੂਲ ਨੇ 40 ਬੱਕਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਅੰਦਰ 100 ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਈਦਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਦਮ ਕਰੇ ਤੇ ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਮ ਕਰੇ
इन छिपा के उन्हें लाभ नहीं काफर दम की कुरान पाक पढ़ के पढ़ने वाला सिया भी ये कलाम मेरे रब दी है सूरह फातिहा पढ़ के दम कीता ते एक काफर नु शिफा मिल गई अल्लाह दे बंदे असी मुसलमान नबी पाक इस्लाम दे उम्मतियां साडा ते यकीन कामिल है साडा ते अकीदा पुख्ता होना चाहिए साडा मनहज ए होना चाहिए कुरान पाक नु रब ने शिफा बनाया है इहदे अंदर शिफावां ही शिफावां ने इहदे अंदर बरकतां ही बरकतां ने लो तवज्जो करिया जे मेरी बात ते मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे परवाने कुरान पाक पढ़िया कर दे सन जो आसमान को वही आंदी नबी पाक अलैहिस्सलाम जल्दी जल्दी तिलावत कर दे जल्दी जल्दी कुरान पाक पढ़ दे ताकि मेरे सीने अंदर महफूज हो जाए आसमान को वही आ गई फरमाया अल्लाह को हर एक भी लिसान का लिता चला बे इन्ना अलैना जमाहु व कुराना फाइदा कराना हु फत्तबिया कुराना इन्ना अलैना बयाना मेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जल्दी जल्दी अपनी जुबान को हरकत ना दिया दे जल्दी जल्दी ना पढ़िया दे ये जिने नाजल मैं कीता तुहाडे सीने अंदर भी कुरान मैं महफूज कर देंगा एदा बयान भी तुहाडे सीने अंदर एदी तफसीर भी तुहाडे सीने अंदर एदी फसाहत व बलागत भी मैं तुहाडे सीने अंदर अल्लाह अपनी रहमत नाल महफूज कर देंगा मेरे वल ध्यान करिया जे कुरान पाक दा इक होर मुकाम नबी पाक अलैहिस्सलाम कुरान पढ़ दे रात नु उठ के कदम मुबारक सुज जाते आसमान को वही आ गई फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल कुम अल-लैल इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इन्क़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि तवज्जो करिया जे औ ज़िद अलैहि वरत्तिल कुरान तरतीला मेरे सोने हबीब अद्धी रात सोया कर ते थोड़ा जागया कर ते नबी पाक अलैहिस्सलाम जी ठहर ठहर के कुरान पाक पढ़िया कर एदी तिलावत कीता कर कुरान पाक की तिलावत नबी पाक अलैहिस्सलाम खुद भी कर दे सहाबा इकराम भी कर दे मेरे वल तवज्जो करिया जे सही बुखारी अंदर किताब व तफसीर अंदर हदीस पाक है मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलाम एक दिन मस्जिद नबवी अंदर तशरीफ ले आए एक सहाबी बैठा है एदी जुटी दी खाक तो मेरे मां बाप कुर्बान इतना अजीम सहाबी है जेड़ा कुरान पाक पढ़ता है ते बंदियां दे सीने ठर जांदे ने कुरान पाक दी तिलावत करता है बंदियां दा दिल करदा है बार बार कुरान पढ़े बार बार सुनते रहिए नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए आपने सलाम आ गया एदे करीब बह गया फरमाया मेरे प्यारे साथी मेरे को आसमान तो हुणे पैगाम आया है मेरे को फरिश्ता आया है ते मेरे अल्लाह ने तेनू सलाम आ गया है प्यारे उबई बिन काब बोले ने रजी अल्लाह तआला अनहु नबी पाक अलैहिस्सलाम जी मेरे रब ने मेनू सलाम भेजे है जी तेरा नाम लैके अल्लाह पाक के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने उबई मेनू अल्लाह ने आर्डर दित्ता है इस अपने सहाबी नु तुसी कुरान सुनाओ सहाबी नु की सुनाओ बोलो सारे की सुनाओ सारे बोलो उच्ची बोलो की सुनाना है अल्लाह के नबी नु क्या जा रहे है ए सहाबी नु तुसा कुरान सुनाओ सैयदना उबई रो पे नबी अलैहिस्सलाम जी मेरे अल्लाह ने मेरा नाम लिया और मैं आज तेरा नाम लिया ਕਿੱਡਾ ਅਜ਼ੀਮ ਸਿਆਬੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਬ ਲਵੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬੰਗਲੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੈਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਫਟੇ ਨੇ ਕਈ ਕਈ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਟੁੱਟੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਤਵੱਜੋ ਕਰ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੱਬ ਪਾਕ ਨੇ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਇਹ
ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਵੀਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਰੱਬ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਲਾ ਸਕੂਲ ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਫੀਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੁਰਾਨ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਸਦਕਾ ਖਵਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਭੁੱਖਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਬਈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਹੋ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਥੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹੂੰਗੇ ਲੇਟ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਖਬੀਬ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਦੇ ਉੱਚੀ ਆਮੀਨ ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قران پاک دی ایک سورۃ دی تلاوت کی دی ہے فرمایا اللہ کی یقون الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منافقین حتا تاتیہم البینہ سورۃ بینہ کی تلاوت کی دی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قران پاک پڑھ کے سنایا ہے اپنے صحابی کے سامنے تلاوت کی دی ہے दुनिया तड़पदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक सहाबी है इहदा नाम उसैर बिन हुज़ैर है ए भी हदीस बुखारी पाक अंदर है नबी पाक अलैहिस्सलाम का सहाबी रात नु उठदा है नमाज तहज्जुद पढ़दा है एक दिन बेदार होया ते वज़ू कीता है प्यार है कुरान पाक नाल मोहब्बत है कुरान पाक नाल उल्फत है कुरान पाक नाल इहना नु नींद प्यारी नहीं कुरान प्यारा है ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਨਾਬ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਫੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਉੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਸੱਲੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਜ਼ਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐ ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਐ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਅੰਦਵਾਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਅਲੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਐ ਹਸਨੈਨ ਕਰੀਮ ਹੈ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਗਿਆ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵਕਤ ਇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਚ ਬੋਲੋ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਬੋਲੋ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਏ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰ ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਕਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਸਨੈਨ ਕਰੀਮ ਐਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹੁਮਾ ਇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵਕਤ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਚ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਨੂੰ ਘਰ ਪੁਚਾ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਜੀ ਪੁਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਬਕਾਤ ਇਬਨ ਸਾਦ ਅੰਦਰ ਹਸਨ ਦਰਜੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਲ ਗਏ
दो तरह दिया रवायत ने, एक रवायत आता है उस हाथ के हाथ अंदर सोटी है, दूजी रवायत अंदर आता है सजे हाथ की बड़ी उंगली है। मेरे वाल प्यार करो, तवज्जो करो, सजे हाथ की बड़ी उंगली है। जिवें मस्जिद नबवी चो बाहर निकले, बिजली कोई नहीं, लाइट कोई नहीं, अंधेरी रात है, नबी पाक इस्लाम के एक परवाने से हाथ हुई, उस हैद में हुजैर की उंगली चमक पई, इधर चो रोशनी निकली, या हाथ अंदर सोटी पकड़ी है, इधर चो रोशनी निकली है, ये जेड़े जेड़े रस्ते तो जा रहे हैं, रस्ते रोशन होते जा रहे हैं, ये बच्चियां नू घर पहुंचाया है, वापस अपने घर के दरवाजे पे पहुंच गए, जब तक अपने घर नहीं पहुंचे ये चमक खत्म नहीं हुई। इतना अजीम सहाबी है सैयदना उसैद बिन हुजैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो मैं तवज्जो करया थे रात का पिछला पैर है, नमाज पे पढ़ देने तिलावत कुरान पाक जा रही है, जदो साडी दुनिया खबर सुनती है ऐडा कुछ कर लिया कट गया ना, ला भी इमरान खान गया ही ते फलाना शरीफ आया ही ते फलाने नु इंज हो गई, फलाने नु इंज हो गई। काश सोच होए मेरा रब मेनू की आंदा है, मैं अपने रब ना गल्ला की प्या करना, सारी रात जाया मोबाइल पे, लेकिन कुरान पाक पढ़ने की तौफीक कोई नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का परवाना उठे है, इन्हें वुजू किया, पिछली रात का वक्त है, इन्हें वुजू करके नमाज पढ़नी शुरू की थी है। मेरे वाल तवज्जो करया दे, जमीन पे ना दा बेटा लेके आया, जमीन पे कोई चारपाई नहीं, बेड नहीं, जमीन पे बेटा लेके आया। सैयदना हुसैन उसैद बिन हुजैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा बेटा लेके आया, इहदा नाम यहया है, करीब एक घोड़ा बने है। नबी पाक इस्लाम के परवाने ने तिलावत शुरू की थी है, कुरान पाक पढ़िया, तरन्नम नाल पढ़िया, सोज नाल पढ़िया, मुहब्बत नाल तिलावत शुरू की थी है, प्यार नाल पढ़ता जा रहा है, बड़े वजन चाके पढ़ रहा है, दिल बड़ा सुकून दे नाल इत्मीनान दे नाल कुरान पाक प्या पढ़ता है। जिवें नबी पाक इस्लाम के परवाने ने थोड़ी जी किरात लंबी की थी है, ते घोड़ा भुड़कन लग गया है, इतना पुछड़न लग गया, नबी पाक इस्लाम के परवाने ने रुको कीता है, ये रुक गया, जिवें रकत पूरी हुई है दूसरी रकत वास्ते नबी पाक इस्लाम का गुलाम उठ गया है, जिवें तिलावत शुरू हुई है घोड़े ने फिर भिड़कना शुरू कर दिता है, भुड़कन लग गया। जो नबी अलैहिस्सलाम के परवाने ने कुरान की तिलावत खत्म की थी है, ये फिर खलो गया, दो रकत पूरिया हुई, नबी पाक इस्लाम के परवाने ने देखा ये घोड़ा बिल्कुल आराम के नाल है, इन्हें आसमान वाल चेहरा उठाया, देखा एक रोशनी है, एक चमक है, आसमान दिया बुलंदियां तो जमीन वाले पासे आ रही है। नबी पाक इस्लाम के गुलाम ने ये रोशनी देखी, रात गुजर गई, सुबह का टाइम होया, नबी पाक इस्लाम की खिदमत पाक अंदर सियाबी हाजिर है। मेरे हाथ तवज्जो करो, जिन्हें साथी बह के तस्बीह ते जिक्र कर रहे जे ना, तस्बीहां जेब च पा लो, जुमे के दौरान कोई जिक्र नहीं करना चाहिए, बजाते खुद जुमा जिक्र है, जुमे का खुतबा शुरू है ना, ते जिक्र सारे बंद है, जुमा का खुतबा जिक्र है, पूरी तवज्जो मेरे वाल, सुबह नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत च हाजिर होए। नबी अलैहिस्सलाम जी, मैं रात का माजरा देखा है, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने उसैद तू कुरान पाक पढ़ता रहना सी, यार चुप क्यों कीता सी, पढ़ता रहना सी। नबी अलैहिस्सलाम जी, वो घोड़ा इन्ना भुड़कदा सी, इन्ना उछलदा कूदता सी, मेरे डर सी कि मेरे बेटे के उत्ते ना चढ़ जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम मुस्कराए, सोने चेहरे ते सोनी तबस्सुम आई, नबी पाक अलैहिस्सलाम की पाक जुबान चो पाक जुमले निकले, फरमाया उसैद तेरा कुरान सुनने वास्ते आसमान तो फरिश्ते आए सन। सुभान अल्लाह, क्या किस्मत दे कहने, कुरान जमीन ते पढ़ते है, आसमान के फरिश्ते कुरान सुनन जमीन ते आ रहे, जब कुरान पढ़ने वाले होंगे सन ना, उदो कुरान सुनने वास्ते फरिश्ते आते सन। तवज्जो करिया, जे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने आसमान तो फरिश्ते आए सन तेरा कुरान पाक सुनने वास्ते,
जे तू फजर दी अजान तक कुराने पाक की तिलावत जारी रखदा मदीने दे बंदे मदीने दे वासी अपनिया अखा नाल आसमान तो नाजल होए फरिश्तियां नू वेख लैंदे मेरे वल तवज्जो करिया जे इतना प्यार सहाबियां नू कुराने पाक नाल इतनी मुहब्बत कुराने पाक नाल इतना प्यार कुराने पाक नाल इतनी तिलावत कुराने पाक दी करदे सन नबी पाक अलैहिस्सलाम दे परवाने जे मेरी बात ते तवज्जो करे सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम दे घर सुते ने नबी अलैहिस्सलाम पिछली रात दे वक्त जिवें बेदार होए नबी पाक अलैहिस्सलाम दे गुलाम ने पानी बर्तन अंदर पा के रखे है दुध दे ढक्कन दे के रखे है नबी पाक अलैहिस्सलाम उठे ने ते आपने पूछा पानी किने भर के रखे है नबी पाक अलैहिस्सलाम जी अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने वुज़ू कीता ते तहज्जुद दे टाइम अब्दुल्लाह वास्ते दुआ कीती तहज्जुद टाइम की कीती बोलो 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 सारे बोलो की कीती दुआ नबूवत वाली सुभान है कच्चा फरमाया अल्लाह अब्दुल्लाह ने मेरे लिए पानी रखे है मेरे हुजूर का इंतजाम किया है मिसवाक रखी है नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने अल्लाहुम्मा अल्लिमुहुल किताब अल्लाह मैं तेरा नबी दुआ करना ऐ अब्दुल्लाह बिन अब्बास नु किताब का इल्म दे दे वफक्किहु फिद्दीन अल्लाह नु दीन दी फकाहत दे दे अल्लाह नु फकीह उम्मत बना दे किताब तो मुराद कुरान पाक भी है फकाहत तो मुराद हदीस पाक भी है मेरे वल तवज्जो करया दे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी अल्लाह नु कुरान पाक दा इल्म दे दे अपने बच्चियां लई दुआ कीता कर अल्लाह नु कुरान पाक दा इल्म दे दे अल्लाह नु हदीस पाक दा इल्म दे दे अल्लाह नु दीन दा खिदमत गुजार बना दे केदर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी है 12 साल की उम्र सारे बोलो कितने साल की उम्र अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते ने मेरी उम्र टोटल 12 साल कितने साल सिर्फ 12 साल साडा 12 साल का बच्चा है ना मलेरिया गाला याद हो दिया ने 2-4-5 सिपारे जुबानी शायद याद ना हो ए जी बच्चा अल्लाह के बंदे 12 साल का बच्चा नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहले बैत ने इला ताल्लुक है दुआ नबी पाक अलैहिस्सलाम की सिर्फ उम्र 12 साल और 12 साल की उम्र नबी पाक अलैहिस्सलाम का गुलाम बयान करता है कुरान पाक दिया सारिया सूरता मेनू याद ने इन्हां दी तशरीह याद है इन्हां दी तफसीर भी याद है बल्कि इन्हां दा गुलाम है ओने एक एक आयत की तफसीर पूछी है एक एक आयत का शाने रसूल पूछे है ऐ आयत किथे नाजिल हुई है ऐ किथे नाजिल हुई है ऐ कुरान पाक की सूरत क्यों नाजिल हुई है सानू तो नहीं ना पता सूरह फातिहा किथे नाजिल हुई है क्यों नाजिल हुई है सूरह बकरा किथे नाजिल हुई है क्यों साडे कोल टाइम कोई नहीं मौलवी काले नहीं ने मौलवी रोटी खाने नहीं ने मौलवी थोड़े को पैसे लैन ली ने मौलवी थोड़े झूठे लुकन ली ने मौलवी सहमा बंद कर ली ने ऐसा मिली मौलवी ने बड़े बड़े मौलवी शायद ना पता है पुराने पाक की सूरह बकरा का नजूल का मकसद की है क्यों नाजिल हुई है नजूल का सबब की है पांच सात शेर आ गया तो थोड़े पैसे आ गए शावा शावा बल्ले बल्ले जेड़ा कोई दीन दी गल दसे वो तो है खुश्क बड़ा है आ सख्त बड़ा है आ फलाना बड़ा है दुकान ते बह के कारोबार करन दी जांच 30 साल च सीखी है मेरा सवाल है 10 साल ला के कुरान क्यों नहीं सीखिया रोटी खान दी जांच आ गई है कुरान पाक पढ़न दी जांच क्यों नहीं आई तवज्जो करे आज मेरी बात पे गौर करे आज सैयद अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा एक एक आयत दस रहे ने अपने गुलाम तो ए आयत इत्थे नाज़िल होई है ए कुरान पाक दी आयत बदर दे मौके ते आई है ए आयत मस्जिद नबवी च नाज़िल होई है
ਨਾ ਮਾਂ ਵੀ ਘਲੇ ਜਾ ਮੂਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਈਏ ਜੇ ਇੰਜ ਕੀਤਿਆ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੁਰਤਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦੀਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੱਖ ਦਫਾ ਵੀ ਤੌਬਾ ਕਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੀ ਸਲਾਮ ਕਤਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਫਿਰਦਾ लेकिन हर बंदा हाथ नहीं लाएगा इस्लामी हुकूमत की जिम्मेदारी है कले कले बंदे को कोई इख्तियार नहीं आवाज उठा सकता है कह सकता है उसके खिलाफ दरखास्त दे सकता है लेकिन हाथ ला नहीं के चौक का इंतखाब खुद नहीं कर सकता कि अपनी पंचायत ला के बह जाए तवज्जो करया नबी पाक ने इस्लाम का गुलाम कहता है कतल करो ओना तलवार मारिए तन तो जुदा कर छड़ी नबी अली सलाम का सहाबी घोड़े तो नीचे आया ते आगे अब्दुल्ला बिन कैस नु पूछदे ने रसी अल्लाह तआला अनहुमा कह लगे यार अब्दुल्ला दस कुरान पाक किवें पढ़ना है आए मुलाकात लई पहले पानी की लोड़ कोई नहीं खाने की जरूरत कोई नहीं सब तो पहला जरा सवाल किया है कुरान पाक के मुतालिक है कह लगे दस यार कुरान पाक के में पढ़ना है उन्हें क्या नमाज अंदर पढ़ना नमाज तो इलावा भी पढ़ना नमाज तहज्जुद अंदर भी पढ़ना तहज्जुद में कुरान पाक पढ़ना के मेरे को पूछ ले आई दस तू कुरान पाक के तो पढ़ना है उन्हें क्या मैं कुरान पाक ठहर ठहर के पढ़ना एक ऐत पूरी हो जाए रुक जाना फिर अगली ऐत पढ़ना फिर अगली ऐत पढ़ना एक सूरत पूरी हो जाए फिर अगली सूरत की तिलावत करना जिन्हें की तरबियत नबी पाक इस्लाम ने की थी है कि पहले पानी नहीं सन पीते पहले खाना नहीं सन खाते सब तो पहले पूछते सन के कुरान पाक पढ़न के बारे पूछते सन सब तो पहले कुरान पाक के पढ़ना भाई जान जो इंज का साडा माहौल बनेगा ना कुरान पाक के बुजुर्ग को मिल बाबा जी कुरान पाक पढ़ते हो किवें पढ़ते हो बुजुर्गों मेरा दिल करदा तुसी कुरान सुनाओ इत्थे बाबा भी गरम है मौलवी भी गरम सारे इक्को टक रखे है जिन्ने बंदे बैठे ने मेरा ध्यान करिया जदों दे रोजे गुजरे ने अपने आप को पुछिया जे किन्ने बंदे ने जिन्ना हुण तक एक वारी भी कुरान पाक मुकम्मल पढ़िया है की कर रहे आप केड़े पासे मुख मोड़ गए केड़े पासे दा रुख हो गया ओए केड़े पासे नु टुर गए कुरान पाक रहमत कुरान पाक शिफा कुरान पाक पासे बरकत आला किताब छड़ के दुनिया दी किताबड़िया पीछे लग गए आला तरीन किताब छड़ के दुनिया दिया जनाब अखबार पीछे लग गए मैं भी सुनो जब तक अखबार ना पढ़ा सुकून नहीं आता मैं कहना पढ़ अखबार लेकिन कम अज कम जितना वक्त अखबार को दे रहे जे कुरान पाक नाल प्यार है इना वक्त ते कुरान पाक नु दे आखरी बार नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम ने इशा दी नमाज तो बाद अपने सहाबा नु कहा सी मेरे साथियों केड़ा तुहाडे चो रहंदा है जेड़ा सौण तो पहले दस बार कुरान पाक दे पढ़े नबी अलैहि सलाम दी ओ कुरान पाक ही पढ़ता रहेगा सोएगा कदों फरमाया जेड़ा एक वारी कुल हो अल्लाह पढ़दा है अल्लाह नु 10 बारियां दे बराबर सवाब अता कर छड़दा है ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਦਿਲ ਲਾਓ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹੋ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਸਮਝੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਮਾਓ ਅੱਲਾਹ ਕਿਤਾਬ ਸੁਨਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਏ ਆਖਿਰ ਦਾਵਾਇਆ ਅਨਿਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ।